अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होपिंग फाइन, एवरीवन इज़ गुड। हाँ, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, आज जो मैं आपके लिए एक्टिविटी लेकर आई हूँ, जो एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, उसके लिए हम मैथ्स पीरियड 3 की पेज नंबर 90 को ओपन करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू द पेज नंबर 90। ठीक है बच्चों, देयर आर 3 आइकन्स ओवर देयर, रीड, राइट एंड कलर। ठीक है बच्चों, उसके बाद वैसे ही हमेशा की तरह डेट पुट करनी है। डेट डालने के बाद अब हम पेज की तरफ देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक पिक्चर में जो फर्स्ट पिक्चर है, देयर वी कैन सी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में हमें बंच नज़र आ रहा है फूलों का, जिसमें बहुत सारे फूल हैं। ठीक है, और उस पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है? उस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है मोर। ठीक है बच्चों, मोर का मतलब ज़्यादा, यानी कि उसमें जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई भी चीज़ जो ज़्यादा होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मोर। नेक्स्ट पिक्चर में हमें वैसे ही बंच नज़र आ रहे हैं फ्लावर्स का। ठीक है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा फूल नहीं हैं, थोड़े कम फूल हैं। ठीक है ना, इसलिए उस पिक्चर के नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है वो है लेस। लेस, लेस मतलब कम। ठीक है, उस पिक्चर में हमें कम फ्लावर नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम उसको कहेंगे लेस। ठीक है ना, इस तरह फर्स्ट पिक्चर जो है वो मोर, सेकेंड पिक्चर इज़ लेस। ठीक है, इस तरह हम आते हैं नीचे वाली पिक्चर्स की तरफ। नीचे वाली पिक्चर में बच्चों हमें क्या नज़र आ रहा है? उसमें हमें नज़र आ रहा है लॉट्स ऑफ फैदर्स, बहुत सारे फैदर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, फैदर्स एक पिक्चर में बहुत सारे फैदर्स हैं। ठीक है, और उसके बराबर वाली पिक्चर में जो फैदर्स हैं वो थोड़े कम हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे। हमने यहाँ पर ये नोट किया कि फर्स्ट पिक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़, यानी कि फैदर्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोर का वर्ड यूज़ होगा। और नेक्स्ट पिक्चर में चूँकि फैदर्स बहुत कम हैं, यानी कि कम चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम लेस का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह पिक्चर के नीचे दिए हुए ब्लैंक के अंदर फर्स्ट पिक्चर में हम लिखेंगे मोर और नेक्स्ट पिक्चर में हम लिखेंगे लेस। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद हमने इसमें कलरिंग करनी है अच्छी सी प्यारी सी। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अपने पेज नंबर 91 की तरफ। ठीक है, हमने पेज नंबर 91 ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमें पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों? फर्स्ट पिक्चर में देर इज़ अ ब्रांच विथ सम लीव्स। ठीक है ना, एक ब्रांच है जिसमें कुछ पत्ते हैं। ठीक है, उसके नीचे दो ऑप्शंस दिए हुए उन्होंने, यानी कि मोर और लेस। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारी एक्टिविटी है वो है सर्कलिंग एक्टिविटी, यानी कि हमने पिक्चर को देख करके मैच करना है कि उसमें मोर है चीज़ें या लेस हैं, फिर हम जो चीज़ भी होगी नीचे हम उसके ऊपर सर्कल कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट में पिक्चर में आपको जो ब्रांच नज़र आ रही है, ठीक है, वो मोर है या लेस है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में आपने उसको इस तरह से चेक करना है कि हमारे पास एक ब्रांच है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास दो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, दो ब्रांचेस हैं और उनमें पत्ते भी इस तरह से ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट वाली पिक्चर में तो मोर हो गया, यानी कि ज़्यादा पत्ते हैं, और फर्स्ट वाली पिक्चर में कम पत्ते हैं। तो इस तरह हम चॉइस इस तरह करेंगे, फर्स्ट पिक्चर में जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं नीचे, मोर और लेस, तो हम लेस के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे तो हम मोर के ऊपर, क्योंकि मोर यानी कि ज़्यादा पत्ते हैं, तो मोर के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम नीचे आते हैं। नीचे वाली पिक्चर्स में हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स हैं, यमी यमी से ना। ठीक है, ये यमी यमी से ग्रेप्स हैं। उसके साथ ही जो दूसरे पिक्चर है उसमें भी ग्रेप्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ग्रेप्स हैं, बिल्कुल कम हैं, यानी कि लेस हैं, और फर्स्ट वाली में मोर ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट पिक्चर में भी आपने सर्कल करना है मोर या लेस के ऊपर, या आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पिक्चर में भी आपने फाइंड आउट करना है मोर या लेस, उसको आप सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने अपना वही फेवरेट काम करना है, यानी कि अच्छी सी प्यारी सी कलरिंग। उसके बाद हम अपने टीचर को उसे चेक करवाएंगे, टीचर चेक कर लेंगी, करेक्शन कर देंगी, उसके बाद हम सेफली अपनी बुक्स को अपने बैग में रखेंगे। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।